हापुड़ में कुछ शरारती तत्वों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा लपेट दिया, जिसे देखकर रालोद और सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया। मामला तहसील चौराहे का है, जहां स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा देख रालोद और सपा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। उधर मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। माननीय कोतवाल साहब से मिले, कोतवाल साहब से आश्वासन लिया, उन्हें लिखित रूप में तहरीर दी, जो कि जहाँ श्रद्धेय चौधरी साहब की प्रतिमा है उसके बराबर में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कि वो चुनाव से संबंधित सामग्री भी वहीं रही, झंडा भी वहीं रहा, और वहाँ अमृता कुमार जी का वो लगा हुआ था कैंप, तो वहीं से ही वो सामग्री आई और वहीं से वो लड़के आए और उन्होंने चौधरी साहब की प्रतिमा पे वो झंडा लगाया। तो झंडा किस हाल में मिला आपको प्रतिमा वो पर? पूरी प्रतिमा का उसकी वीडियो है, पूरी प्रतिमा पे उन्होंने झंडा पूरे चेहरे पर ढका हुआ था। फिलहाल रालोद ने इस मामले में तहरीर देते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने प्रतिमा के पास लगे सीसीटीवी की मदद से उन शरारती तत्वों की पहचान करने में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।